वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर किरण व्लॉग्स। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। सो गाइस आज मेरा जो है मूड हो रहा है साबूदाना खाने का, साबूदाना खिचड़ी यानी। तो बस अभी वही बनाएंगे हम लोग, झटपट सी साबूदाने की खिचड़ी, जो कि एकदम क्विक और सिंपल रेसिपी है। और आप साबूदाना जो है स्नैक्स में भी खा सकते हो, या फिर सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, या फिर व्रत होता है या उपवास होता है उसमें भी आप लोग साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हो। और ये तो सबकी फेवरेट ही होती है, खासकर जब साबूदाने की खिचड़ी में आलू होता है तब सभी को पसंद आती है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो प्रिपरेशन देख लेते हैं पहला। तो साबूदाने की खिचड़ी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कटोरी साबूदाना लिया था और इसे लगभग मैं 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था अच्छे से वॉश करके। तो अभी एकदम तैयार है बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने 2 आलू जो है वो बॉईल करके ले लिया हूँ, और 3 हरी मिर्च को बारीक कटिंग किया हूँ, और 1 हमारे 4-5 कली कड़ी पत्ता है। और यहाँ पर हम लोग ने जो है सेंगदाना कूट कर रखा है, तो एकदम पाउडर हो गया है, तो हम ये यूज़ करेंगे सेंगदाने का पाउडर। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना साबूदाने की खिचड़ी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा साबूदाना खिचड़ी बनाना। तो यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिया हूँ टोप, और उसे गैस ऑन करके गर्म होने रख दिया हूँ। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ थोड़ा सा ऑयल, तो लगभग ये मैंने 1.5 चम्मच डाला तेल। अब इसे भी हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं तेल को अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर डालेंगे मिर्ची जो बारीक कटी हुई, और कड़ी पत्ता। तो देखिए तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे भिगे हुए साबूदाना। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिर्ची को हमने ज्यादा पकाया नहीं, बिकॉज वो अभी साबूदाने के साथ पक जाएगी, नहीं तो वो जल जाती थी, क्योंकि हमारा तेल जो है ज्यादा गर्म हो गया था। तो अभी मैंने क्या किया, एक आलू लिया, उसको बारीक बारीक टुकड़े कर दिए उसके पीसेस। तो अभी फिलहाल मैं इसके अंदर एक ही आलू डाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि आलू ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इसके अंदर एक ही आलू डाल रहा हूँ। अगर मुझे लगता है और डालना है तो फिर मैं ऐड कर दूंगा। अभी इसे भी हम अच्छे से एकदम मिक्स करेंगे। तो ये मैं मेरे अकेले के लिए बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी लिया था। तो देखिए एकदम मस्त हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर नमक ऐड करते हैं। तो नमक भी हम हमारे टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये गया नमक, टेस्ट टू सॉल्ट, नमक इसके अंदर ऐड हो गया है। इसे भी हम अच्छे से एकदम मिक्स कर लेते हैं। तो एकदम झटपट रेसिपी है ये, एकदम क्विक और इजी 2 मिनट में बन जाती है। बहुत इसे साबूदाने को जो है भीगने में टाइम जाता है 1-2 घंटा, या आप इसको रात में भी भिगा सकते हो, वो और अच्छे से बनते हैं, बट 1-2 घंटे में भी हो ही जाता है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर हमें सिर्फ हमारा सिंगदाने का कूट डालना है, जो कि हम लोग ने मिक्सर में बारीक करके ले लिए। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़े आलू और डाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे साबूदाने में जो है आलू ज्यादा पसंद है।
तो बस थोड़ा और आलू डाल देता हूँ अभी इसके अंदर। तो ये गया आलू, अभी से अच्छे से एकदम मिक्स करते हैं साथ में। तो बस आलू तो हमारा ऑलरेडी बॉयल है तो ज़्यादा साबुत आलू को पकने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और अब इसके अंदर डालता हूँ हमारा सेंगदाने का कुट जो हम लोगों ने मिक्सर में पीसा था। तो ये हम थोड़ा डालेंगे, पूरा नहीं यूज करेंगे। तो अभी सेंगदाने का कुट भी हम लोगों ने डाल दिया साबुदाने की खिचड़ी में। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो देखिए अभी क्या लग रहा है एकदम मस्त। अभी हम इसे कम से कम 10 मिनट ढककर पकाएंगे साबुदाने को, फिर चेक करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स तो कर लिया, अभी इसे मैं ढककर रखता हूँ लगभग 10 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसे कवर करके रखता हूँ ढककर लगभग 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसे। तो चलो अभी हम लोग चेक करते हैं, 10 मिनट के ऊपर हो गया टाइम, तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है शायद। तो ट्राइपॉड हटा दिया मैंने, तो देखिए हाँ बन गया जी हाँ। तो गाइस हमारे साबुदाने की खिचड़ी हो चुकी है तैयार एकदम मस्त। तो चलिए अभी हम खाने के लिए ले लेते हैं, दिखने में तो एकदम टेस्टी दिख रही है। तो आई होप गाइस आप सभी को मेरी साबुदाने की खिचड़ी वाला रेसिपी पसंद आया होगा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एकदम इजी और क्विक है। और आप लोग किस मेथड से बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वो भी। बाकी आप लोगों को लुक कैसा दिख रहा है मुझे बताना। सो गाइस हमारी साबुदाने की खिचड़ी हो चुकी है तैयार, तो अब मैं खाता हूँ हमारी साबुदाने की खिचड़ी।